आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी से शिवहर होते हुए मोतिहारी की जो नई रेल लाइन परियोजना है इसके बारे में। इस रेल लाइन के बारे में संपूर्ण डिटेल्स वीडियो पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि बापूधाम मोतिहारी से सीतामढ़ी वाया शिवहर के बीच जो नई रेल लाइन बनने वाली है, जिसको दो फेज में बांट दिए गए हैं। पहला फेज सीतामढ़ी से शिवहर और फिर शिवहर से बापूधाम मोतिहारी, लेकिन पहले फेज का काम अब शुरू होने ही वाला है। इस नए रेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से स्टेशन मौजूद होंगे और कौन कौन से स्टेशन बनने वाले हैं, वो सारी संपूर्ण जानकारियां हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर सही ऑल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम सीतामढ़ी से शिवहर के बीच हम बात करने वाले हैं, आगे की बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सीतामढ़ी से शिवहर जो प्रथम फेज है जिसकी निर्माण होनी है और जिसके लिए राशि भी आवंटित की गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सीतामढ़ी से शिवहर के बीच जो शिवहरवासियों का सपना था वो साकार होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस बीच जो नई रेलवे लाइन बनने वाली है सीतामढ़ी से शिवहर के बीच, वह टोटल 28 किलोमीटर की यह लंबी रेल लाइन होगी। उसके बाद से आगे की बापूधाम मोतिहारी की ओर बढ़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 मार्च को ही इसी साल और कुल लगभग 567 करोड़ रुपए दिए गए हैं, के साथ ही इसमें कई सारे अन्य कार्यों के लिए भी दिया गया है। तो टोटल इतने राशि दिए गए हैं और इसी तहत काम होना है। सीतामढ़ी से मोतिहारी के बीच टोटल 10 स्टेशन का निर्माण होने हैं, लेकिन सीतामढ़ी से शिवहर के बीच सिर्फ दो स्टेशन और दो हॉल्ट के निर्माण किए जाएंगे, जिसमें से शिवहर में तो स्टेशन बनाए ही जाएंगे, उसके बाद रेवासी में भी स्टेशन बनाए जाएंगे और हॉल्ट का निर्माण सुगिया, कटसरी और धनकौल में बनाए जाएंगे, जिसका मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं शिवहर में रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किस प्रकार से होगा। और अभी जो है कि भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है इस बीच, और इसके हो जाने से उसके बाद से काम भी आपको दिखने लगेगा जल्द ही। हाँ, पूर्व में बहुत सारे नक्शे इसको लेकर के तैयार किए गए हैं और इसी को फिर से सर्वेक्षण करके जारी करेगी रेलवे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं इस रूट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी छोटी सी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।